आज तारीख हो चुकी है 21 जनवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल MI की टीम ने अब अपनी यहाँ पर IPL 2022 के एडिशन की नई जर्सी यहाँ पर लॉन्च कर दी है, जहाँ पर इस टीम ने अब अपनी जर्सी में अपने यहाँ पर पार्टनर्स में बदलाव कर दिया, जहाँ पर IPL 2022 के एडिशन में अब स्लाइस पैक नामक कंपनी का यहाँ पर लोगो इस टीम की जर्सी के अब हमें फ्रंट में दिखेगा, जहां पर पिछले साल सैमसंग का लोगो इस टीम की जर्सी के फ्रंट में था। लेकिन IPL 2022 के एडिशन में, इवन IPL 2023-2024 में, यानी 3 सालों तक स्लाइस पे कंपनी का यहां पर लोगो इस टीम की जर्सी के फ्रंट में हमें दिखने वाला। आप अपनी स्क्रीन पर वो जर्सी भी देख पा रहे होंगे। तो MI की टीम के IPL 2022 के एडिशन की अब नई जर्सी आ चुकी है। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी यह जर्सी लगी है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो ये दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है भारत साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर। दरअसल आज दोपहर 2 बजे से में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब दूसरा वनडे मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर टीम इंडिया के पास मौका है कि आज का मुकाबला जीत कर अब सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दे। ना सिर्फ टीम इंडिया के पास बल्कि आपके पास भी आज ₹5,000 जीतने का मौका है, जहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से अगर आप My11 सर्किल को डाउनलोड करते हो तो आप में से एक लकी विनर को हमारी तरफ से ₹5,000 मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहां पर आप टीम बना कर आप ₹1,00,000 जीत सकते हो। कल के मुकाबले में यहां पर हमने खुद यहां पर टीम बना कर हमने ₹10,000 जीते, तो आज के मुकाबले की आप टीम बनाकर आप ₹1,00,000 जीत सकते हो। हमारी टीम तो आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे। इतना ही नहीं, यहां पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लक्ष्मण रहाणे और गांगुली जैसे लेजेंड्स को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आपको My11 सर्किल डाउनलोड करने पर ₹1,500 फ्री में मिलेंगे। इसके साथ ही आपको यहां पर अब 20% तक का कैशबैक मिलेगा और भी काफी सारे ऑफर्स मिलेंगे। और आज जितने भी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से My11 सर्किल को डाउनलोड करेंगे उनमें से एक लकी विनर को ₹5,000 हमारी तरफ से मिलेंगे। तो फटाफट बिना किसी देरी के आप My11 सर्किल को डाउनलोड करके आप अपनी टीम बना लें, और इंडिया के जीतने पर तो आपको डबल अमाउंट मिलेगा। इसी वजह से बिना किसी देरी के आप फटाफट अपनी टीम बना लें। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है मेगा ऑक्शन को लेकर। दरअसल BCCI ने मेगा ऑक्शन के कारण अब भारत और वेस्ट इंडीज की सीरीज को अब रीशेड्यूल करने का फैसला लिया, जहां पर 12 और 13 फरवरी को हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। और 12 और 13 फरवरी को ही शायद यहां पर भारत और विंडीज के बीच एक मुकाबला था, इसी वजह से अब BCCI ने सीरीज को रीशेड्यूल करने का फैसला लिया, ताकि मेगा ऑक्शन में यहां पर कोई भी समस्या ना हो, मेगा ऑक्शन को सही तरीके से टेलीकास्ट किया जाए। तो अब BCCI ने भी यहां पर मेगा ऑक्शन की हर एक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है मेगा ऑक्शन की रजिस्ट्रेशन को लेकर। दरअसल अब यहां पर BCCI ने बताया था कि 20 जनवरी तक प्लेयर्स अपने आप को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड कर पाएंगे। 20 जनवरी की तारीख हो चुकी है, तो अब सभी प्लेयर्स ने मेगा ऑक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। रजिस्ट्रेशन विंडो को अब BCCI ने क्लोज यानी बंद कर दिया है। कुल मिलाकर रिपोर्टेडली लगभग 1500 प्लेयर्स ने मेगा ऑक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया, जहां पर खबर है कि जो रूट, बेन स्टॉक्स, मिचेल स्टार्क ने इसके साथ ही यहां पर रबाड़ा जैसे प्लेयर्स ने अपने आप को मेगा ऑक्शन में रजिस्टर्ड नहीं किया, और कुछ प्लेयर्स ने तो अपना मेगा ऑक्शन से नाम विड्रॉ कर लिया है। तो कुल मिलाकर आज अब BCCI की तरफ से हमें मेगा ऑक्शन में आने वाले प्लेयर्स की ऑफिशियल लिस्ट देखने को मिलेगी। इसी वजह से आप बिना किसी देरी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि ऑक्शन को लेकर, प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप मेगा ऑक्शन के प्लेयर्स को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन कौन से यहाँ पर बड़े नामी प्लेयर्स ने अपने आप को मेगा ऑक्शन में रजिस्टर्ड किया होगा, और आप मेगा ऑक्शन के प्लेयर्स को जानने के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब अगर हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो थी KKR के फॉर्मर प्लेयर राजगोपाल
सतीश की तरफ से। दरअसल केकेआर के यहाँ पर फॉर्मर प्लेयर राजगोपाल सतीश के साथ यहाँ पर तमिलनाडु की टीम से जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, तब कुछ बुकीज ने इनको 40 लाख रुपए का लालच देकर इनसे मैच फिक्सिंग की यहाँ पर बात करी थी। खुद इन्होंने यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाकर ये रिपोर्ट फाइल करी है। तो कुल मिलाकर केकेआर के इस फॉर्मर प्लेयर से अब इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में यहाँ पर फिक्सिंग की अप्रोच करी गई। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर। दरअसल इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हमें ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। इस वर्ल्ड कप का अब आज ICC ने ऑफिशियल शेड्यूल लॉन्च कर दिया, शेड्यूल रिवील कर दिया है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर 16 अक्टूबर से लेकर अब 13 नवंबर तक ये वर्ल्ड कप चलेगा। इस वर्ल्ड कप में भी हमें दो ग्रुप देखने को मिले। ग्रुप ए में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान को और दो क्वालिफायर टीमों को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में भारत को, पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका को, बांग्लादेश को और दो क्वालिफायर टीमों को यहां पर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से दोनों ग्रुप रहेंगे, जहां पर भारत के यहां पर 5 मुकाबले होंगे। सबसे पहले 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, 27 अक्टूबर को भारत और क्वालिफाई करने वाली टीम का मुकाबला होगा, 30 अक्टूबर को भारत और साउथ अफ्रीका का यहाँ पर मुकाबला होगा और 2 नवंबर को भारत बांग्लादेश का मुकाबला होगा, जबकि 6 नवंबर को यहाँ पर क्वालिफाई करने वाली टीम के साथ भारत का मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर अब वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ चुका है। पूरा शेड्यूल तो आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट ज्वाइन कर ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग रोहित शर्मा की कप्तानी में आखिर इस साल ऑस्ट्रेलिया में भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है या फिर नहीं। अब अगर हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है लखनऊ की फ्रेंचाइजी की तरफ से। दरअसल लखनऊ की फ्रेंचाइजी ने अब अपना नया नाम ऑलमोस्ट रिवील कर लिया, जहां पर पहले खबरें थी कि लखनऊ पैंथर्स नाम से या फिर लखनऊ रेंजर नाम से ये टीम जानी जाएगी, लेकिन यहां पर कुछ सोर्सेस ने अब ये बताया कि लखनऊ सुपर जायंट्स नाम से ये टीम मोस्ट प्रोबेबली जानी जाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स नाम से अब IPL 2022 के एडिशन में ये टीम दिख सकती है, जहां पर इससे पहले इस टीम के ओनर गोनेका की IPL में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम थी। तो उसी तरीके से अब लखनऊ सुपर जायंट्स नाम से ये टीम मोस्ट लाइकली जानी जाएगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ये सही नाम है या फिर नहीं। अब अगर हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी की तरफ से। दरअसल अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी ने भी अब जिस स्पॉन्सर को MI की टीम ने साइन किया, उसी स्पॉन्सर को यानी स्लाइस पे कंपनी को यहाँ पर साइन कर लिया। तो इस टीम की जर्सी पर भी हमें स्लाइस कंपनी का अब लोगो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अहमदाबाद की टीम ने तो एक एजेंसी भी हायर कर ली, एजेंसी से इस टीम ने नया नाम सजेस्ट करने की मांग करी है। तो कुछ ही दिनों में हमें अहमदाबाद का नाम और जर्सी भी देखने को मिलेगी। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप कमेंट करके बताइए आप अहमदाबाद और लखनऊ की टीमों के आखिर अपडेट्स जानना चाहते हो या फिर नहीं। इसके साथ ही आप अभी फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर MY11 सर्किल को डाउनलोड कर ले, ताकि आप में से एक लकी विनर को हमारी तरफ से फटाफट 5000 रुपए मिल जाए और अपनी टीम बनाकर आप लाखों के तो कॉन्टेस्ट खेल ले, ताकि भारत के जीतने पर आपको आपकी डबल विनिंग भी मिल जाए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।